हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी की किचन में। रेनू की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ऐसा नाश्ता जो आप एक बार बनाइएगा और महीनों खाइएगा उसको। और ये इतना बढ़िया होता है, इतना ज़बरदस्त होता है कि आप एक बार बनाइएगा तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। और आपको घर में सभी बार बार यही बनाने को बोलेंगे। आप इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं बना के। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही क्रंची भी होता है, ऊपर से टाइट होता है थोड़ा और अंदर से एकदम बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बिल्कुल क्रंची, एकदम ऐसे देखिए भरभरा के गिर जाता है, टूट जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए हमने ये 250 ग्राम मैदा लिया है। अब इसको हम छन्नी से छान लेंगे अच्छे से। और इसके बाद हम ये करीब 3 बड़े चम्मच हमने शुगर पाउडर लिया है, इसको भी हम छन्नी से छान लेंगे ताकि जो है पाउडर ही नीचे जाए, जो दाने रहे वो ऊपर ही रह जाए। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसको ऐसे मसल दीजिए, जो हल्का फुल्का लगा होगा वो भी नीचे झड़ जाएगा। अब इसके बाद हम लेंगे करीब 50 ग्राम दही। अगर आपको दही नहीं पसंद है तो आप इसकी जगह पर तेल भी यूज कर सकते हैं। और ये हम लेंगे करीब 2 चम्मच फ्रेश मलाई, यानी फ्रेश क्रीम, यानी आप इसके जगह पे सादा मलाई भी डाल सकते हैं। और थोड़े से हमने इलायची पाउडर ऐड किया, और घी हमको थोड़ा कम लग रहा था 50 ग्राम से, तो ये थोड़ा सा घी हमने और ऐड कर दिया। और अब इसको हम ऐसे हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। अगर इसी से अगर आटा गूँथ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़े सा दूध का हम यूज कर लेंगे। और इसको हम गूँथ के एक टाइट डो तैयार करना है, बिल्कुल टाइट होना चाहिए डो। ये देखिए इस तरीके से, ये हमारा डो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसको हम ढक के करीब आधा घंटा इसको हम रेस्ट के लिए रख देते हैं। आधे घंटे बाद हम खोलेंगे तो देखिए ये इस तरीके से तैयार हुआ है, अभी भी टाइट है ये। तो इसको हम 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब इसमें थोड़ा इस समय पे खसखस या तेल भी मिला सकते हैं, जिससे कि ये और भी टेस्टी हो जाएगा। मेरे पास उपलब्ध नहीं था इसलिए मैं नहीं मिलाई हूँ, लेकिन आप मिला लीजिएगा ज़रूर से, सफ़ेद तिल या फिर खसखस। और अब इसको हम इस तरह से गोल लोई बना के इसका हम ऐसे चिपटा कर लेंगे एक हिस्से को। और उसके बाद हम चौकी बेलन लेके उस पर हम ऐसे बेल लेंगे। देखिए बिल्कुल आटा वगैरह नहीं लगाना है, अगर आपको नहीं मिलाता, हालांकि इससे चिकनाई इसमें है इतना कि आप ऐसे ही बेल सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो आप हल्का सा तेल का यूज कर सकते हैं, तेल या घी का। और इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं बेलना है, ये देखिए इतना मोटा होना चाहिए। अब हम इसको जो है चाकू से इस तरीके से काट लेंगे लंबा लंबा पहले इस तरीके से, फिर दूसरे साइड से ऐसे हम चौकोर काट लेंगे। आप बर्फी का आकार अगर देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं, या जो डिज़ाइन काटना चाहें वो काट सकते हैं। हमने ये डिज़ाइन काटा है, ये बिल्कुल सादा, ये देखिए ये इतना मोटा है, देख लीजिए बिल्कुल इतना मोटा रहना चाहिए, ये बिल्कुल पतला नहीं बेलना है। ये देखिए सभी एक समान है, और बेलने पर भी सभी एक जैसे होना चाहिए, नहीं कि एक तरफ पतला हो जाए एक तरफ मोटा हो जाए। और फिर हम तेल में कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, और उसके बाद हम उसमें जो है काट के जो रखे हैं उसको हम डाल देंगे। इस समय हम ध्यान रखेंगे कि न तेल ज़्यादा गर्म हो और न कम, क्योंकि अगर कम रहेगा तेल तो ये फट जाएगा, और अगर ज़्यादा रहेगा गर्म तो फिर ये जल्दी लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। अगर आपको तेल ज़्यादा गर्म लगता है तो आप तुरंत गैस का फ्लेम जो है लो कर दीजिए, जिससे उसका जो फास्ट पकने का प्रोसेस रहेगा वो तुरंत कम हो जाएगा। और इस तरीके से बढ़िया से ये इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, इसको चलाते रहेंगे ताकि सारे एक समान फ्राई हो। और ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे बटर पेपर पे, आप टिश्यू पेपर में भी निकाल सकते हैं इस तरीके से छान के हम। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और इसी तरीके से हम जो दूसरा वाला हिस्सा है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे, ये इस तरीके से देखिए
जो हमने दूसरा दो लोइयाँ काटी थी ना, तो दूसरे वाले को भी बेल के हम उसी तरीके से काट के और फिर उसको भी हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। और देखिए इस तरह से चलाते रहें, चला देंगे थोड़ा सा शुरू में, और थोड़ा फ्राई हो जाने के बाद उसको हम रेगुलर चलाते रहेंगे। ये देखिए ऐसा हो गया है। अब इसके बाद से आप चलाते रहिएगा तो सभी एक समान फ्राई होगा, और नहीं तो एक तरफ वाइट रह जाएगा एक तरफ लाल हो जाएगा, इसलिए इसको बीच बीच में ब्रेक देके चलाते रहिए। अब देखिए कितना बढ़िया कलर हो गया है, अब ये बिल्कुल निकालने लायक हो गया है। तो अब इसको हम उसी तरीके से छान के फिर से इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए आप इस तरीके से इसको फ्राई करके और एक फ्रेश एयर टाइट कंटेनर में आप पैक करके इसको रख दे सकते हैं, और इसको महीनों आप यूज कर सकते हैं। और बिल्कुल ये बिस्किट जैसा लगता है, और जो हमने इलायची पाउडर डाला था ना, तो जब मैं फ्राई कर रही थी तो पूरा घर खुशबू से भर गया था, बिल्कुल इलायची की खुशबू से। तो देखिए देख कितना ज़बरदस्त ये बना है मीठे शक्करपारे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब मैं नए वीडियो लाऊं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये देखिए देखिए कितना बढ़िया ये फ्राई हुआ है, और ये देखिए फट से दम बिस्किट जैसा टूट गया, और देखिए मसलने पर भी बिल्कुल वैसे ही बिस्किट जैसा ही टूट रहा है ना। तो दोस्तों देखिए आप भी ट्राई कीजिए और इसको ज़रूर बनाइएगा, और रख के आप इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं और घर में भी रख सकते हैं, आप महीनों इसको बना के खा सकते हैं। तो आपने हमारा वीडियो इतने ध्यान से देखा, इसके बाद बहुत आप हमारा वीडियो ऐसे ही रेगुलर देखते रहेगा। थैंक यू।